और छोटा एरिया लग रहा है, मगर ये कराची का सेंटर ऑफ द सिटी है। और यही वजह है कि जो करीमाबाद है वो कराची के सेंट्रल में वाक़े है, और पूरे कराची का जो समझे कि मिडल है वो करीमाबाद है। आपके सामने जो ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है, ये वो ब्रिज है जो कि पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करता है कराची से इस ब्रिज के थ्रू। क्योंकि जो भी पोर्ट से सामान निकलता है, कोई भी कंटेनर हो जो पाकिस्तान सप्लाई सामान करना चाहता है, वो इस ब्रिज से होते हुए जाता है। और ये ब्रिज जो है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रिज जो है स्टार्ट तो लालू खेत दिसंबर से पहले होता है और ख़त्म ये करीमाबाद के आगे आयशा मस्जिद से पहले होता है, मगर जो 10 नंबर से यानी साइड की तरफ से जो लोग आ रहे हैं डंपर लेके या कंटेनर लेके, वो जब 10 नंबर से चढ़ते हैं इस ब्रिज के ऊपर, तो ये ब्रिज कनेक्ट करता है वाटर पम्प को किसी भी कंटेनर के हवाले से। फिर वो वहाँ से होते हुए फिर वो हैदराबाद, शक्कर या और दूसरी जगह से वो पाकिस्तान की तरफ सप्लाई होता है। तो इस ब्रिज की अपनी एक अहमियत है। इस ब्रिज के बनने के बाद नीचे काफ़ी ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हुआ था। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो खुदाई हुई हुई है, ये आज से 4 से 5 महीने पहले यहाँ जो था रोड बहुत ही प्यारा बना हुआ था, मगर आज से 4 5 महीने पहले यहाँ खुदाई स्टार्ट हुई। और खुदाई होने की वजह ये थी कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका बिलावल भुट्टो साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया उन्होंने। तो उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए, उनमें से एक प्रोजेक्ट जो था वो कराची की करीमाबाद का था। वो अलग बात है कि काफ़ी अरसे बाद कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मगर स्टिल जो है काम जो हो रहा है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ लूप होल्स होते हैं वहाँ हम जो है लाजमी लाजमी बताते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर जहाँ काम अच्छा होता है वहाँ अप्रिशिएट करेंगे हम। तो यही वजह है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको बताएंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है ख़ासकर कराची के इन कुछ एरियाज़ में, उनमें से एक एरिया जो है ये करीमाबाद का है, जहाँ नाजमाबाद से आने वाला शख्स गुलशन अगर जाना चाह रहा है और वो इस अंडरपास को अगर लेता है, तो जो रास्ता उसको आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में अचीव होगा अंडरपास बनने के बाद, वो ही रास्ता नाजमाबाद से गुलशन का 10 मिनट का हो जाएगा। यानी कोई अगर जियाउद्दीन अस्पताल से आगा खान हॉस्पिटल जाना चाह रहा है और उसको अगर नाजम आ जियाउद्दीन से और हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट तक आधा घंटा लग रहा है, तो वही चीज़ जो है 5 मिनट में कवर हो जाएगी। तो ये है कराची की करीमाबाद के हवाले से। और जो अंडर पास बन रहा है, इस अंडर पास की ख़ास बात यह है कि इन 4 महीनों में काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ। थोड़ा बीच में केयर टेकर हुकूमत जब आई तो काम थोड़ा स्लो हुआ, मगर स्टिल जो है काम अब तेज़ी में हो रहा है। और अगर मैं बात करूं काम के हवाले से, तो करीमाबाद का अंडर पास जो है वो 3 मरहलों में बन रहा है। पहला मरहला जो है वो काका भवानी चौरंगी यानी हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद से स्टार्ट होके वो कराची के करीमाबाद के मीना बाज़ार तक, यहाँ तक जो है जो आप देख रहे हैं जब भतारे बने हुए हैं, यहाँ तक जो है वो पहला मरहला है। दूसरा मरहला जो है वो ब्रिज के नीचे वाला है और तीसरा मरहला जो है जियाउद्दीन अस्पताल वाला है। जो पहला मरहला है वो इतना बड़ा मरहला है कि वो 2 मरहलों को मिला के भी पहला मरहला छोटा पड़ेगा। तो इस पहले मरहले के हवाले से अगर बात करूं, तो पहले मरहले का 30% काम हो गया है। जो काम हुआ है